देख रहे हैं एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। यूपी में प्रयागराज के फाफा माऊ क्षेत्र में 4 लोगों की सामूहिक हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया कि गिरफ्तार आरोपी पवन सरोज हत्या में शामिल था। पवन लड़की को परेशान कर रहा था, साथ ही मृतका के मोबाइल पर मैसेज भेज रहा था, जबकि लड़की उसे मना कर रही थी। एक तरफा प्यार के चलते ही आरोपी ने लड़की समेत परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को हिरासत में लिया था। 2 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए थे। अंतिम मैसेज और वैज्ञानिक साक्ष्य और जांच में सहयोग न किए जाने के आधार पर पवन सरोज की गिरफ्तारी की गई। हत्या में शामिल अन्य आरोपियों को लेकर पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के सामने पवन सरोज बार बार अपना बयान बदल रहा है। जांच में पता चला है कि नामजद मुकदमे में मृतक पक्ष के भाई से आरोपी का विवाद था। मामले में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ कोई सबूत पुलिस को नहीं मिला है। एडीजी प्रेम प्रकाश के मुताबिक एक तरफा प्यार के चक्कर में सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये थी यूपी के प्रयागराज से एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट। ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए एक्सट्रीम न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।